अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाहिद रेहान के मीडिया के साथ एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शाओमी के बारे में और एक और सेलुलर कंपनी जोंग के बारे में। व्यूअर्स, न्यूज़ यह है कि चाइनीज स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शाओमी और जोंग के दरमियान स्मार्टफोन फरोख्त करने का जो मुआहदा है वो तय पा गया है। और स्मार्टफोन बनाने वाली मारूफ कंपनी शाओमी ने पाकिस्तान में अपने स्मार्टफोन मुतारफ करवाने के लिए सेलुलर कंपनी जोंग के साथ मुआहदा कर लिया है। इस मुआहदे के साथ ही जोंग शाओमी के साथ शराकत दारी करने वाली पहली कंपनी भी बन गई है। और तफसीलात के मुताबिक शाओमी ने जोंग के साथ मुआहदे का फैसला कंपनी के तेज तरीन 4G इंटरनेट नेटवर्क और मुल्क भर में बेहतरीन कवरेज के बायस किया है। इस मुआहदे के बायस शाओमी कंपनी पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स फरोख्त करने के बिजनेस को फरोग देना चाहती है। और इस मुआहदे के तहत सार्फिन जोंग की कस्टमर सर्विस सेंटर में बनने वाले शाओमी के डिस्प्ले सेंटर पर दस्तयाब आला मेयार के स्मार्टफोन हासिल कर सकेंगे, जबकि जोंग की जानब से शाओमी के स्मार्टफोन की खरीदारी पर स्पेशल डाटा ऑफर भी मिलेगा। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि जोंग इससे कबल वावे, क्यू मोबाइल, ओप्पो मोबाइल, HTC, सैमसंग और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स दराज.pk के साथ भी मुआहदा कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक शाओमी के स्मार्टफोन पाकिस्तान में मुतारफ कराए जाने की तकरीब 20 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी, जिसके बाद मुल्क भर में इसके स्मार्टफोन्स फरोख्त के लिए पेश कर दिए जाएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ज़रूर इसको लाइक किया होगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को आप देखना चाहते हो तो व्यूअर्स आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए हाजिर है, वहाँ पर अपना कमेंट्स लिखिए और हमें अपनी राय देने के लिए। व्यूअर्स, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।